जोहार नमस्कार, मैं इस वक्त गुमला विधानसभा क्षेत्र में हूँ और मेरे साथ जेलकेएम के प्रत्याशी निशा भगत जी भी हैं। और कुछ हम वीडियो मेरे पास आया था, चर्च में भूषण तिर्की के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे, पर्चा बांट रहे थे, तो उसका कुछ वीडियो मेरे पास आए हैं, तो हम उसको जानने का प्रयास करेंगे कहाँ तक ये सही है। दीदी जोहार, मेरी तरफ से झारखंड जो दीदी, चर्च में पर्ची बांट रहे थे और अपील कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भूषण तिर्की की तरफ वोट करना है, कहां तक सही है? जैसे कि आपके माध्यम से मुझे अभी वीडियो मिला है और चैनपुर प्रखंड का ये मामला है, बेलपतला का, तो ये काफी दुखद मामला दिख रहा है। आपने जैसे ही मुझे वीडियो भेजा, मैंने इलेक्शन कमीशन को इस वास्तुस्थिति से अवगत करा दिया है। अभी जहाँ तक तो मुझे लगता है कि चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में अगर इस तरह का असंवैधानिक कार्य किया जा रहा है तो ये चिंतनीय विषय है, क्योंकि जनता को छलने का और ठगने का काम ऐसे धर्मगुरु कर रहे हैं। आज बेलतला का तस्वीर और वीडियो जो है हमारे पास में जो मिला, मुझे लगता है कि पूरे चर्चेस में ऐसे ही अनाउंसमेंट किया गया होगा और हमारे गुमला विधानसभा की भोली भाली जनता को पुनः ठगने का कार्य जेएमएम के प्रत्याशी भूषण तिर्की जी के द्वारा किया गया। आप लोग इस चुनाव आयोग को आप सूचित किए हैं कि करने वाले? मैंने सूचना दे दिया जब आपने मुझे भेजा वीडियो, त्वरित कार्रवाई करते हुए मैंने आयोग को सूचना दिया और मैंने कहा भी है कि अगर इस पर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई किया जाए, अन्यथा इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और प्रखरता के साथ मैं समाज के परिपेक्ष में जनता के विकास के लिए मैं उल्लंघन करूंगी कि ये असंवैधानिक कार्य धार्मिक स्थलों में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही परिस्थिति में करप्शन साफ साफ दिख रहा है कि जो धरातल पे काम नहीं किया, जनता जिनको नकार रही है उनको सराहने का काम ऐसे धर्मगुरुओं द्वारा किया जा रहा है, तो ये काफी निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है। क्योंकि यदि धर्मगुरु जनता की सेवा नहीं कर सकते, बिजली पानी सड़क मुहैया नहीं करा सकते, यदि वो उनको अपना जो माटी का जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं दिला सकते हैं, उनको जीवन शैली जीने के लिए, उनको जीवन यापन करने के लिए अगर उनको व्यवस्था नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है उनको ऐसे असंवैधानिक घोषणाएं करके उनको गुमराह भी नहीं करना चाहिए। वोट देने का तो सबका अपना अपना अधिकार, जिसको जो पसंद है उसको वोट करेंगे, लेकिन इस तरह से जो धर्मगुरुओं के वहाँ जो लोग कर रहे हैं, चर्च में जाके पर्ची बांट रहे हैं, इन गलत है कि नहीं? देखिए, संविधान सबके लिए एक बराबर है, किसी धर्म विशेष के लिए अकेले नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है हमारे क्षेत्र में, तो मेरे लिए तो काफी शॉकिंग है। पहली दफा मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे धर्मगुरु जो समाज के लिए अगर हित नहीं कर सकते, तो ऐसे धर्मगुरु को रखा रहना ना रहना, मुझे लगता है कि मेरे अगर समाज के लोग ऐसे कर रहे हो, अगर मुझे दिख रहा हो तो मैं भी समाज के लिए भी बहिष्कार करूंगी। अगर आदिवासियत को भटकाने का काम सत्ता के लालचियों द्वारा किया जा रहा है तो ये काफी निंदनीय है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच द्वारा किया जा रहा है, ये समझ में आता है, कुर्सीधारियों का ये समझ में आता है, एक राजनीति की चाह रखने वालों का समझ में आता है, लेकिन ये धर्मगुरुओं की ये जो काली करतूत दिख रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे जीवन में ये पहली बार ऐसी घटना घट रही, जो अपने आंखों से मैं ऐसी चीजें मेरे साथ घटित हो रही है, तो ये जितने भी प्रत्याशी हैं मैं उनसे भी कहूंगी कि यदि इस तरीके का घटना घट रहा है तो आप अपनी आवाज उठाइए। यदि आप आवाज खुद के लिए नहीं उठा सकते तो मुझे लगता है आप जनता के लिए क्या ही उठा पाएंगे।
तो जो गलत है उसका अगर उसको गलत कहना, अगर गलत है तो हाँ मैं गलत हूँ, और अगर ये अगर गलत है और उस बात को मैं जनता के सामने अगर कह रही हूँ कि ये गलत है, संविधान को बचाने की बात कर रही हूँ, एक हर एक व्यक्ति का एक एक अधिकार है वोटिंग का, और ऐसे में दबाव में प्रेशर में और समाज का खासकर दबाव दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगी आयोग से कि इस पर कड़ी संज्ञान लीजिए, ताकि संविधान खिलवाड़ का खिलवाड़ ना हो और जनता का विश्वास आप पर बनी रहे। लास्ट में उन क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को अब क्या कहना चाहिए? मैं उनको इतना ही कहूंगी कि अगर अब तक आप लोग ऐसा करते आए हैं तो अब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस राज्य के प्रति आप लोगों का शायद मोह नहीं है। अगर 24 साल हो गया उसके बावजूद बुनियादी सुविधाएं नहीं है, अगर सड़क बिजली पानी और घर की व्यवस्थाएं नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप जैसे धर्म गुरुओं का रहना और समाज के लिए वाकई खतरा है, और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों का बहिष्कार खुलेआम करती हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसे धर्म गुरुओं का समाज के लिए रहना वाकई शर्मनाक है। ठीक है, धन्यवाद। तो चर्च में क्या कुछ बोला गया है वीडियो के माध्यम से, आप वीडियो में देखिए और आपको पता चलेगा कि क्या कुछ बोल रहे हैं। तो हालांकि हमको लैंग्वेज उतना नहीं समझ में आ रहा है, कुड़ुक भाषा में बोला गया है शायद, तो आप वीडियो में सुनिए और देख के कमेंट के जरिए बताइएगा।